सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सहने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ में है। दुनिया वाले तो सिर्फ उसकी बाहर की हंसी देखते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ होता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों में चलकर कुछ बनने की ठान लो। आज का पंचांग 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि शाम 6:02 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:46 से 11:30 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मेष राशि 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, पिछले कुछ समय से आप जिस असंतुष्टि के दौर से गुजर रहे हैं अंततः अब उससे बाहर आ पाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जीवन में अपना उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया है और अब अपने सपने पूरे करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी समझ पाएंगे कि अपने काम और अपनी सेहत दोनों को बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी है। आपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया है आज उस पर काम करने का उत्तम समय है। धार्मिक व आध्यात्मिक से जुड़े कार्यों के प्रति आपका रुझान मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से मन में खुशी रहेगी। पिछले दिनों में की गई मेहनत का फल आज मिल सकता है। साथ में जिस बातों को नजरअंदाज किया था उन बातों को भी सुधारने का सही वक्त है। यही सही वक्त है आपसे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें, वरना परिवार का कोई व्यक्ति विवाद उत्पन्न कर सकता है। जिम्मेदारी उठाने की वजह से काम पूरा करना संभव नहीं होगा, फिर भी काम से संबंधित गलती ना होने दें। पार्टनर को आपके सहयोग की अपेक्षा है। नींद ठीक ना होने के कारण कमजोरी और थकान महसूस होगी। सावधानियां, किसी नजदीकी मित्र या रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। अपनी ईगो व गुस्से पर नियंत्रण अवश्य रखें। किसी भी प्रकार की यात्रा करने से परहेज करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। अपने लव पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज करने का उचित समय है। ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिसे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज के दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी तो आप बना सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज के दिन सट्टा व्यापार के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखें अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान दिला सकता है। इसलिए फिलहाल लॉटरी के मकर जाल में ना फंसें। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना हानिकारक है, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु अगर आप हर सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा, जो कि फायदेमंद साबित होगा। मीडिया संबंधित गतिविधियों पर ध्यान दें, फायदेमंद खबर भी मिल सकती है। बहुत मेहनत और कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत है। नौकरी पेशा व्यक्ति अभी जैसी स्थितियां चल रही है उन्हें स्वीकार करें। बात करते हैं सेहत की। खांसी और जुकाम जैसी समस्या रह सकती है, लापरवाही ना बरतें। आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा।
आप उसे पहले से जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उनकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिलीजुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकती हैं। आज का उपाय, आज आप लक्ष्मी माता जी को कमल के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।